सबको जय मसीह की डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रेडेशन को। परमेश्वर का वचन एक भविष्यवाणी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि भविष्यवाणियों के विषय में उनको पूरा होते देखने के लिए एक अच्छी लड़ाई को लड़े, क्योंकि जब आप उस लड़ाई में होते हैं तो आपको परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई आशीषें पाने में समय नहीं लगता। उस भविष्यवाणी को पूरा होना आपकी गंभीरता पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस तरह से परमेश्वर में बना कर रखता है। अगर आप बाइबल में पढ़े तो लिखा है कि इसहाक शाम के समय ध्यान करने के लिए जाता था। ध्यान करने का मतलब कि परमेश्वर के एक वचन को लेना और उसे पढ़ना, जिस तरह वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गलील की झील के किनारे रोगियों को चंगा कर रहे हैं। आप मनन इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी आत्मा में देखें कि आप भी गलील की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हैं और रोमियों को चंगा होते देख रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के बारे में पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसे एक बात बोली थी, यीशु व्यस्ता ही यह पुस्तक तेरे चित से कभी न उतरने पाए और दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना, तब ही तू सफल होगा। जहां तू जाएगा तू प्रभावशाली होगा और मैं तेरे संग जाऊंगा। याद रखें, अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते आप कभी भी प्रभावशाली सेवकाई को नहीं पा सकते। हर समय शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा। जरा सोचिए, अगर दुश्मन आपके सामने हो और आपके हाथ में बंदूक होते हुए भी आप उसका इस्तेमाल करके दुश्मन को ना मारे तो वह आपका नुकसान करेगा। याद रखें, केवल वही मसीह अपने जीवन में स्ताव और दुखों को सहते हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं रखते और यह नहीं जानते कि परमेश्वर के काम करने का क्या तरीका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक उदाहरण के तौर पर अगर आपने मुंबई जाना है, कुछ लोग वहां पैदल जा रहे हैं, कुछ साइकिल पर, कुछ बस या ट्रेन में, कुछ हवाई जहाज में और कुछ अपने निजी हवाई जहाज में। अब यह फैसला आपने करना है कि आपने किस माध्यम से वहां जाना है। इसी तरह अगर मसीह लोग हो जाना तो उन्होंने स्वर्ग में ही है, लेकिन कोई दुख में जा रहा है, कोई परमेश्वर के आनंद के साथ। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं तो हो सकता है कि आप मसीह होने पर भी दुखों में स्वर्ग में जाएं। यह सब आपके परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेने पर निर्भर करता है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का वचन आपके लिए एक भविष्यवाणी है। जिस तरह यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यह सब वायदे परमेश्वर के द्वारा आपके लिए भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना परमेश्वर को योजनाओं को बदलती है, उपवास आपको बदलता है और परमेश्वर का वचन एक हथियार है जो शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर हर रोज आपसे वचन के द्वारा बात करते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को एक ट्रेनिंग है। आप तब ही सुन पाएंगे जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में बीच में रखेंगे। अगर आप शैतान पर हमला करना चाहते हैं तो आप ना आप प्रार्थना और ना उपवास का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके हर हमले को कम करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के द्वारा भरमाए जाने पर उन्होंने भी परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया था। परमेश्वर का वचन यही है जो परमेश्वर की ओर आप परमेश्वर को आपके ऊपर प्रकट करता है। आमीन। घोषणा। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने के द्वारा लोगों के जीवन में आपका डर आए, यह सभी वचन की गंभीरता को समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आमीन। आमीन।